नहीं ठीक है। फ्लैश मैच में गलत जगह दे रखी है, किस साइड देनी चाहिए साइड दे रखी है, निकलती नहीं है, है? निकलती नहीं है। बस बस चुप रहो यम है हम, हम है यम, यम दो तो इस पृथ्वी लोक पर जितने भी पापी हैं सारे पापियों में से हर एक को हमारे साथ किया जाए। यम महात्मा
ये हमें स्वयं यमराज ने बताया है। और लगता है ये दिन आ गया है, धर्मराज के भी राज्य में अभी ये नहीं, अब लगता है धर्म कहीं रही नहीं गया है। बताओ तो ये यम के दूत कह रहे हैं अपने आप को, और ऐसे ऐसे अजामिल जैसे महात्मा को लेने के लिए आए हैं। महात्मा लगता है धर्मराज ने तुम्हें धर्म का नियम नहीं बताया, भगवान के नाम की महिमा नहीं बताई। क्या तुमने देखा? तुम सबने देखा, अभी इस अजामिल ने भगवान का नाम लिया है और तुम लोग इसे पापी कह रहे हो। भगवान का नाम इसने भगवान का नाम इसने अपने बेटे नारायण का नाम लिया है, आपके प्रभु नारायण का नाम नहीं लिया। तो अगर ये पुत्र का नारायण नाम रख लिया तो क्या नारायण पेटेंट हो जाएगा? नारायण नाम है वो तो आदि परम पुरुष है, सबके आराध्य भगवान का नाम नारायण है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, सांकेतम पारिहास्य हुआ स्तोम हेलन में हुआ वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अधाहरम विदो, कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी को संकेत करते हुए आपस में परिहास करते हुए कि किसी भी तरह से अगर भगवान का नाम ले लेता है तो तुरंत ही उसके सारे पग जल के राख हो जाते हैं। प्रतीक्षा ये भगवान का नाम लेता है। कई बार इसने अपने पुत्र को बुलाया है, नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण खा लो। भगवान का एक नाम इतने पापों को नष्ट कर सकता है जितना कोई पापी से पापी व्यक्ति भी उतना नाम नहीं कर सकता। कहा गया है नामनो ही आवती सकी पात्र नहीं हटर है तावत कर्तुक न सकनती पातकम पातकी नर। अजामिल ये तो एक महात्मा है, और खबरदार जो तुम लोग इसके पास आओ जाओ यहां से। अजामिल के पास आओ, हे आज मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैंने इन महापुरुषों का विष्णु दूतों का दर्शन, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं कितना दुराचारी था, मैंने अपनी सुशील सुंदर पत्नी का परित्याग कर दिया। एक लंपट स्त्री के चक्कर में आके मैंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। वो सुंदर सुशील ब्राह्मणी थी, मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को भी त्याग कर दिया, और ना जाने कितने मैंने गंदे कृत्य किए हैं, पता नहीं मैंने कितने पाप किए हैं, मगर आज मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा हुई है। मुझे हरि नाम के बारे में पता चला है। हे कृष्ण, आज मुझे आपने नरक में जाने से बचा लिया। अब मेरा जो भी ये जीवन बचा है मैं इस जीवन का आपके पवित्र नामों में जप करूंगा, और मैं अपना जो भी जीवन बचा है मैं इस जीवन का आपके श्री चरणों में थाल लगाऊंगा, और किसके सिवा और कुछ नहीं करूंगा। मैं बहुत पापी हूं, आज अब मैं हरिद्वार जाऊंगा, और जो भी मेरा ये जीवन बचा हुआ मैं आपके पवित्र नामों का जप करूंगा। हरे कृष्णा धर्मराज की।
जय, रामराज की जय। यमदूत क्या समाचार लेके आए हो मेरे यमदूतों? जामिल कहाँ है उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो। ले लो अपना पट्टा। हे मेरे पुत्र समान विष्णु दूतो, आज मैं तुम्हें भगवान के नाम की महिमा और उनके 12 अधिकारियों के नाम के बारे में आपको बताऊंगा। स्वयं गुरु नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलाद जनको भीष्म बलिदेव साथी गए। धर्म के 12 महाजन हैं जो धर्म को पूर्णतः जानते हैं। स्वयं गुरु साक्षात ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, पितामह भीष्म और व्यास देव और स्वयं मैं। अरे मेरे विष्णु दूतों, देखो ना, भगवान के नाम का कीर्तन इतना महिमायुक्त है कि ना चाहते हुए अजामिल जैसा परम पापी भगवान के नाम का उसने उच्चारण किया है, जबकि वो नहीं जानता उसके भगवान का नाम नारायण है। तत्क्षण उसके सारी पाप राशि को भगवान के नाम लेने मात्र से समाप्त कर दिया गया, उसे पाप के चंगुल से बचा लिया गया। हे मेरे विष्णु दूतों, यम दूतों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किन लोगों के पास और किन लोगों के पास ना जाए। जो भगवान की नाम रूप गुण लीला का सदा उच्चारण करते हैं, जिनका हृदय सदैव भगवान के चरणों में उनके चरणों के मधु को पीने में लगा रहता है, उनके पास कदापि मत जाना। हे मेरे विष्णु भूतों, जो भगवान के नाम का सदैव करते हैं, जिनकी जीवा हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का नाम उच्चारण करती है, उनके पास कदापि मत जाना। सदैव भगवान के नाम की लीला उनके श्रीमद भागवतम का कथा कष्ट उनके भक्तों का संग करते हैं, जो सदैव समदर्शी होते हैं, किसी के पास किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते और सदैव जनमानस का कल्याण करने की भावना रखते हैं, ऐसे लोगों के पास कदापि मत जाना। हे मेरे यमदूतों, और जो लोग भगवान की नाम रूप गुण लीला का कोई गुणगान नहीं करते,
जिनका हृदय कदापि भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता, जिनके सर कभी भी भगवान के चरणों में नहीं झुकते, उन दुष्ट पुरुषों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। हे मेरे यमदूतों, इस कलयुग में केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गदर अन्यथा, यही युग धर्म है। जो व्यक्ति भगवान का दोनों हाथ उठा के उच्च कंठ में स्वर से संकीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। ऐसे भक्तों के पास कभी मत जाना। और जो दुष्ट परास्त्री गमन करते हैं, इस कलयुग के अंदर चार निषेध कर्मों का अगर पालन नहीं करते, जो तोड़ते हैं उनको आप पकड़ के लेके आना। जानना चाहेंगे वो चार नियम कौन से हैं? पहला, जो ध्रुत कीड़ा जो जुआ खेलते हैं, जो परास्त्री का संग करते हैं, जो व्यसन इंटॉक्सिकेशन जो नशा आदि करते हैं, और जो मांस भक्षण करते हैं, जो कलयुग में चार प्रकार के नियमों को तोड़ता है, इस तरह के निषेधों का पालन नहीं करता, उनके पास तुम्हारा पूरा हक है। उनको पकड़ के लाइए और हमने यम पार्षद से बंदी बना के कुंभी पाकम नंद के द्वारा उसको दंडित करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बोलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने फिर प्रोवेंट किया। ये अजामिल का जो ड्रामा था, इसमें हम ये दिखाने का प्रयास किए थे तीन बेसिकली होता कि किस प्रकार भगवान का नाम कितना महिमा युक्त है, और भगवान का नाम लेने मात्र से चाहे वो ज्ञान में लिया जाए अथवा अज्ञान में लिया जाए, किसी भी दशा में वो समस्त पापों को हमारा हर लेता है। और भगवान का नाम ही एकमात्र इस कलयुग में हमें रक्षा प्रदान कर सकता है यमदूतों से। तो सबसे आप सबसे निवेदन है कि इन सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिएगा थैंक यू के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।